ओम साई राम। गत दिनों में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंदिरों में हुई घटनाओं पर श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी ने रोष व्यक्त किया है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही खबरों के बाद श्री साई बाबा संस्थान ने संज्ञान लिया और संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर ने एक पत्रकारों के साथ वार्ता की और उन्होंने बताया कि इन घटनाओं से देश विदेश के करोड़ों साई भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष शिरडी में 2 करोड़ से भी अधिक साई भक्त शिरडी आते हैं। भारत और दुनिया के प्रत्येक देश में लाखों की संख्या में साई मंदिर हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं। शिरडी ग्रामवासी और साई मंदिरों साई संगठनों की शिकायत के बाद श्री साई बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्थानीय नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र सरकार को संदेश भेजकर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से बात करें। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पूरी जानकारी दी। श्री साई बाबा के दर्शन के लिए दुनिया भर से लाखों साई भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लगभग साल में जो है 2 करोड़ से ज़्यादा साई भक्त यहाँ शिरडी में दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा पूरे दुनिया भर में साई बाबा के हजारों मंदिर हैं। उस मंदिर में भी साई भक्त बड़े श्रद्धापूर्वक जो है बाबा की आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं। वाराणसी में जो घटना घड़ी है वो निश्चितच दुखद है। इसका जो है हमें श्री साई बाबा संस्थान और इस शिरडी परिसर के जो लोग जो है उन्होंने भी उसको दुख जताया है और देश भर से और विदेश से भी हमें बहुत कॉल आए हैं और मेल भी आए हैं। उन्होंने भी ये जो घटना घड़ी है उसके ऊपर चिंता व्यक्त किया है। श्री साई बाबा मंदिर जो है सुबह 4:30 बजे खुलता है। 5 बजे जो है 5:15 बजे काकड़ आरती होती है। उसके बाद अभंग स्नान होता है और 6:15 बजे जो है वो बाबा की शिरडी माजे पंडरपुर ये आरती होती है। दोपहर 12 बजे एक आरती होती है। शाम को 6 बजे आरती होती है और 10 बजे आरती होती है। यानी दिन भर में जो है वो 4 आरतियाँ होती है। इसके अलावा हर एकादशी में कीर्तन होता है। श्री साई बाबा ने अपने कालावधि में जो है रामनवमी का उत्सव शुरू किया था। गुरु पूर्णिमा उत्सव भी जो है यह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी दशहरा का उत्सव जो है वो भी संस्थान में अच्छी तरह से मनाया जाता है। दीपावली का उत्सव 31 दिसंबर, सब उत्सव जो है वो साल भर में जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं वो डोनेशन के साथ साथ में कोई चिट्ठियाँ भी वो डोनेशन काउंटर में डालती है। वो चिट्ठी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आँखों में जो है वो पानी आता है। घर का जो बच्चा जो है वो मम्मी को जैसा वो हट्टा करता है, आग्रह करता है, वैसे बाबा के भक्त जो है बाबा को आग्रह करते हट्टा करते बाबा ऐसा होना वैसा होना। तो फैमिली मेंबर जो है घर का सबका लाडला फैमिली मेंबर जो है वो बाबा को देखते हैं। तो ऐसे समर्पित भाव से सब भक्त जो है बाबा की भक्ति करती है। तो ये वाराणसी में जो घटना घड़ी है वो सबको बड़ा दुख हुआ है। इस बारे में हमारे गार्डियन मिनिस्टर सर से बात हुई है और स्टेट गवर्नमेंट से भी बात हुई है और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आपकी तरफ से भी जो है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ बात होनी चाहिए और यूपी गवर्नमेंट ये जो घटना घड़ी है ये घटना आगे नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप जो है वो यूपी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। वहीं आज महंत काशिकानंद जी महाराज साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंचे। दर्शन पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भी कहा, ये जो पूरा विवाद चल रहा है वाराणसी से शुरू हुआ है साईं को लेकर, साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही मंदिरों से, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ओम साई राम। ओ जो हटाई गई मूर्ति है, जो भक्तों ने बिठाई है वो श्रद्धा भाव से बिठाई है, लेकिन साई बाबा के बारे में जो अनुभव जो भक्तों को आता है वही श्रद्धा से कुछ न कुछ तरी साई बाबा की सेवा करता है। मूर्ति बिठाई होगी साई बाबा के सेवा रूप से बिठाई होगी, लेकिन ये जिसको अनुभव नहीं है और ये कलयुग में जो साई बाबा के प्रति जो कहे वाद विवाद करते हैं, कोई ऐसा टंट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है
कि उनका साईं बाबा का पूरे पूरा उसका अनुभव नहीं है। हम लोग साई शिरडी में रहते हैं और साईं बाबा का पूरे पूरा हमको अनुभव है। साईं बाबा एक महान संत है, साईं बाबा एक महाविभूति है, साईं बाबा एक महापुरुष है और कलियुग में महापुरुष ही सब का जो का धर्म का काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, अपने भक्तों को प्रबोधन करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। ये अनेक भक्तों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए संतों ने अवतार लिया है, ऐसा हर जगह में बताया गया है। हमारे महाराष्ट्र में भी बताया गया है कि जो संत है वो ही भगवान के अवतार है। देवते संत, देवते संत निमित्त त्या प्रतिमा, निमित्त रूप से वो अलग अलग रूप लेते, अनंत रूपे अनंत वैसे, ऐसा बताया कि भाई भगवान ने अनंत रूप से अनंत रूप लेकर यो धर्म का काम किया है। भगवान का काम यही है, वही काम संत का है। कारण कलयुग में बाकी युग में भगवान ने यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजामि हम, भगवंतान में भगवान ने बताया है कि हर युग में हम धर्म का पालन करने के लिए, धर्म रक्षण के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए हम अवतार लेंगे। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि उसमें भगवान संत रूप से यहाँ आकर वो धर्म का पालन, धर्म का रक्षण, धर्म का बढ़ाना ही उन्होंने किया है। कारण भगवान ने द्वापर युग में उद्धव को बताया है और भगवान ने अवतार कलयुग में संत रूप से अवतार लेने का भी संकल्प किया था, क्यों निश्चय किया था। कारण कलयुग में एक जगह में बताया है, घर घर में रावण बैठा राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में कलयुग में रावण है, काम क्रोध मद मत्सर दम्भ अहंकार मोह छल कपट, यही रावण की फैमिली है। अने मोह जो है, जो आसक्ति मोह अहंकार, यही रावण है। अने ये सब अपना कलयुग में हर घर घर में आता है। एक रावण मारने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष वनवास करना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा और लंका जाना कर उनको मारना पड़ा। तो हर घर घर में रावण है तो किसको किसको भगवान अवतार लेकर मारेंगे। इसलिए कलयुग में भगवान के अवतार नहीं है, संत रूप से भगवान यहाँ आते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य हो या जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य जी जो इस समय है, वो कह रहे हैं कि जो मूर्तियां हटाई जा रही मंदिरों से वो सही है। मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है। फकीर थे साईं बाबा, उनकी जगह मूर्ति मंदिरों में नहीं रहनी चाहिए, इसको क्या किस तरीके से देखो उनको, वो तो जगत गुरु है, वो सब अभ्यासु है, उनका सिद्धांत अलग है। लेकिन वहाँ बिठाने के लिए यहाँ कोई साई हमारे है कंकर उदंकना दुराग्रह कथा का तुम्हारे मंदिर में बिठाओ, अपने अपने श्रद्धा भाव से आने, अपने अपने श्रद्धा किस देवता पर रखना है आप सबको स्वतंत्रता है, और बिठाने का है तुम्हारे दरबार तुम्हारे घर में थोड़ा हम बिठाने का आग्रह दुराग्रह करते हैं। हाँ, जिसकी श्रद्धा है अपने अपने जो कहे वस्तिस्थान हो आपकी देव पूजा हो उसके देव पूजा में रखने का सबको अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है। अतः जहाँ जिसका जो कहे हक है, जिस जगह में हक है, उन्होंने त्या ठिकाने निकालने का रखने का हाँ उनका स्वतंत्र है, हाँ निर्णय है, इसमें हम लोगों का कुछ ये नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो कहे श्रद्धा भाव से रखी है उसको कोई अनुभव आ गया होगा, उसकी श्रद्धा उनके अंदर होगी तो उन्होंने बिठाई होगी तो उनको भाव उसका रखना चाहिए, इतना थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए था। लेकिन उनको जो कोई लगता है उसका क्या सिद्धांत है, उनके तरफ से उन्होंने किया होगा। लेकिन जो कहे साईं बाबा का जो भक्त समाज है वो तो उस दुनिया में है, एक दो मंदिर में निकाली तो उसका इसको कोई कमी पड़ने वाला नहीं। लेकिन हजारों भक्त लाखों भक्तों का जर दिल दुखने लगा कि वह श्रद्धा को तड़ा जाने लगा कि वह श्रद्धा भाव जर वहाँ थोड़ा दुख लिया तो क्या हो जाएगा कि सब ये तो दोष है, एक पाप लगेगा। इसलिए वो करना नहीं चाहिए, उसका पूर्ण अनुभव लेना चाहिए। अनुभव नहीं है तो उसका सिद्धांत हो तो उनका वो सिद्धांत वो जाने। लेकिन हम लोगों के लिए तर साईं बाबा
ये महान संत है और हमारे संत का व्याख्या ऐसी है, संता और देव हम लोगों का अलग नहीं है। देवते संत निमित्त त्या प्रतिमा, भगवान ही संता है भगवान है, ऐसा हम लोगों का श्रद्धा भाव है। अयु पठान सैलीला टाइम्स शिरडी, कृपया सैलीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साई राम।